नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में हिमवत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्रामोद्यान और पर्यटन शरद उत्सव मेले का शुभारंभ कर दिया है। ये मेला 5 दिन तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान चार धाम देवस्थानम बोर्ड भंग होने पर बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने शंख ध्वनि के साथ मुख्यमंत्री को बद्रीनाथ धाम की धर्म ध्वजा और अंग वस्त्र भी भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पोखरी मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पहाड़ों में उद्योग स्थापित करने पर सरकार जोर दे रही है। कुटीर उद्योग लगाए जा रहे हैं। जब पहाड़ में उद्योग धंधे खुलेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने 1,00,000 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि मैंने 4 जुलाई को मुख्य सेवक की जिम्मेदारी को संभालने के बाद से एक एक पल एक एक क्षण जनता को समर्पित किया है। में लगने वाला ये मेला, निश्चित रूप से इस मेले से हमारे जो लोकल उत्पाद है, यहाँ के जो स्थानीय हमारे बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, तमाम प्रकार के जो अपने उत्पाद बनाने वाले ऐसे सभी लोगों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए हमने इसको राजकीय मेला घोषित किया है और इसके प्रोत्साहन मिले और यहाँ के जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक कलाकार हैं, लोक कृतियाँ हैं, उन सभी को बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी लोकल फॉर वोकल का जो मंत्र है, उस मंत्र को साकार करने के लिए ऐसे मेले हमारे लिए निश्चित रूप से आगे एक मार्गदर्शन का काम करेगा। रुद्रप्रयाग में रोजगार के संसाधनों को तलाशते हुए बीजेपी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल की ओर से मुख्यालय के गुलाब राय मैदान में करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज क्षेत्रों से युवाओं ने भाग लिया, जिन्हें रोजगार को लेकर कई विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही सुझाव भी दिए गए। कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, मत्स्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिनेश सिंह चौधरी, लीला आनंद थपलियाल, प्रदीप कुमार को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप रुद्रप्रयाग की, जहाँ पर करियर काउंसलिंग का ये आयोजन किया गया है और ऐसे में अपने क्षेत्र में रोजगार तलाशें, ये युवाओं से कहा गया और युवाओं ने भी इस काउंसलिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कि हम सब लोग अभी यहाँ पे आए हैं करियर काउंसलिंग वर्कशॉप के उसमें, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप ऐसा कीजिए, बस खाली एक मतलब ऐसा खाली बताया गया है, जिस तरीके से मतलब हमारे हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए कि इंटरव्यू लिया जाए, बस खाली ऐसा नहीं कि खाली एक आपको बस एक टाल देने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ बस आओ और यहाँ पे थोड़ी देर रहो अपना और फिर निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमने आपसे 6 माह पूर्व एक ऐप बनाया था, जिसके माध्यम से हमने अपने जितने भी लोग थे उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनसे उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में और फिर भी उनकी समस्याएँ, चाहे रोजगार से संबंधित है, चाहे विभाग से संबंधित है। नागालैंड में शहीद हुए टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के नोली गांव निवासी शहीद गौतम लाल का पार्थिव शरीर ऋषिकेश से सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव पहुंचा। वहीं ग्रामीणों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और इस दौरान सभी की आंखें नम भी दिखी। पूर्व मंत्री प्रसाद नेथानी ने कहा कि ये बलिदान हमारे देश की सेना का हमें हमेशा याद रहेगा और गौतम लाल अमर रहेगा। वहीं क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारिक ने कहा कि शहीद गौतम लाल के लिए मुझे बहुत दुख हुआ और हमारी सरकार और मैं गौतम लाल के नाम से हॉस्पिटल का नाम रखने की घोषणा करते हैं। मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलूंगा और शहीद सैनिकों के परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। नौजवान को व्यक्तिगत तौर से भी जानता था, जो दिन याद है कि जब वो फौज में भर्ती हुआ था और मेरे टेलीफोनिक भी संवाद उनसे हुआ था और दो दिन पहले खबर मेरे पास आई तो बड़ा एक ऐसी बात सामने आई कि हमने एक नौजवान को खो दिया है। शहीद गौतम लाल आज देश के लिए शहीद हुए, हम अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह दे और ऐसे सपूत पर हमें गर्व है जो आज देश के लिए शहीद हुए, मैं उनके पिताजी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारा जो है ना, मैं 65
62 वाली जगह में भी रहा हूँ, 65 वाली में भी, और 71 मेरी लाशें बिछ गई थी कश्मीर में। और ये तो क्या बताए हम, मैं अभी 79 का रिटायर हूँ, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े देख के। क्यों धन्य हो इनको जो मैंने आर एन, जिनकी बॉडी आर एन देश से पड़ती। उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने रोशनाबाद में नव निर्मित हॉकी स्टेडियम का लोकार्पण किया। स्टेडियम का नाम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के नाम पर रखा गया है। इसके बाद उन्होंने बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का शिलान्यास हॉल का किया और इसकी लागत 20 करोड़ रुपए बताई गई है। आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरिद्वार की वंदना कटारिया के नाम पर एक और उपलब्धि दर्ज हो चुकी है। सरकार की ओर से रोशनाबाद स्थित नव निर्मित सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम का नाम वंदना कटारिया के नाम पर करने का शासन आदेश जारी किया गया है। इस फैसले से वंदना के परिश्रम के साथ ही खेल प्रेमी भी काफी उत्साहित नजर आए। रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम का आज उद्घाटन हुआ है। मैं समस्त खिलाड़ियों को, खेल प्रेमी बंधुओं को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। ईंटे का, पत्थर का, रेते का अवस्थापना बनाना आसान काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इन अवस्थापनाओं से खिलाड़ी पैदा हों जो आगे चलकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें और अपने से छोटे बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वह देश के लिए खेलें, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो निश्चित ही इसी इलाके की हमारी बेटी वंदना कटारिया ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करके निश्चित ही उत्तराखंड का नाम उन्होंने रोशन किया है। और सरकार का भी दायित्व है कि जो बच्चे खेलों में आगे बढ़ते हैं उनका हौसला बढ़ाना और उनको सुविधाएं देना, और जो उदीयमान खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना सरकार का दायित्व है। हमारी सरकार ने हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ऐसे भव्य दिव्य स्टेडियम बनाना और इन स्टेडियमों का नाम उन खिलाड़ियों के नाम पे रखना जिन्होंने देश में और देश और प्रदेश का नाम विश्व में रोशन किया है। रुद्रप्रयाग में बीजेपी सरकार की ओर से एक सप्ताह पहले गौरा देवी कन्या धन योजना की विज्ञप्ति जारी की गई थी और आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 7 दिसंबर रखी गई। ऐसे में समय आवेदन के लिए प्रमाण पत्रों की संख्या ज्यादा होने से हजारों छात्र फॉर्म जमा नहीं कर पाए। ऐसे में छात्रों के परिजनों में सरकार के खिलाफ खासा आक्रोश बना हुआ है। वहीं विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। उनकी माने तो सरकार ने आधी अधूरी तैयारी के साथ अपनी अपना पोर्टल लॉन्च किया, जिस वजह से छात्र अपने प्रमाण पत्र नहीं बना पाए और योजना से वंचित रह गए हैं। सर, हमें पहले इन्फॉर्म करा होता तो हम सारे डॉक्यूमेंट साथ में रखते, क्या हमें इन्फॉर्मेशन देट होने के कारण इधर उधर भागना पड़ा। अब आई वन पत्र से लेके है ना, वो एकदम से तो बनता नहीं है, फिर उसमें 600 वो 1000 की बात, तो उसमें 400 की होनी चाहिए थी। और परसों ही बताया आंगनबाड़ी वालों ने भी कि ये इसकी डेट लास्ट 7 तारीख तक है और हम डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं बना पा रहे और ये यहाँ इतनी दूर से आ रहे हैं अभी, आज इसकी लास्ट डेट है और हमने आज ऊखीमठ भी जाना है। 2017 में हमारे बच्चों ने इंटर किया था जी, अब एक ही दम से बता रहे हैं कि आयु प्रमाण पत्र बनाओ, ये बनाओ, तो 6000 तक बन ही रहा, बता रहे कि 3000 तक बनाओ, तो 3000 तक बोल रहे कि नहीं बन रहा, तो क्या करें हम, कहाँ से बनाएंगे। इसमें उस समय पे हमारा जो होता था उसमें था ग्रामीण क्षेत्र के लिए 36000 का आय प्रमाण पत्र वार्षिक और शहरी क्षेत्र के लिए 42000, ठीक है, तो माने कि महीने का हुआ 3000 और नगरीय क्षेत्र के लिए 3500 वार्षिक, तो उसके अनुसार आय प्रमाण पत्र लगना था। और इसके अलावा बाकी चीज़ें इसमें जो है, अभी पैन कार्ड भी इसमें कर दिया गया है, और अगर पैन कार्ड मतलब नहीं, वो बालिका या माता पिता का आधार नंबर है, पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड अगर नहीं भी बन पा रहा है, अभी नहीं बना है, तो जो वो अप्लाई करेंगी उसकी ये रसीद लगा सकते हैं। बाकी स्थायी निवास है, परिवार रजिस्टर का नकल है, इंटर की मार्कशीट है, ये सारी चीज़ें।
कालाडूंगे विधानसभा के कोटाबाग ब्लॉक में न्याय पंचायत बेलपड़ाव के पंचायत घर में नैनीताल बैंक बेलपड़ाव की तरफ से बैंक की योजनाओं की जानकारी देने के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक की योजनाओं के तहत बैंक की तरफ से दिए जाने वाले लोन को जैसे स्वरोजगार, पशुपालन, आवास और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले लोन दोनों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में नैनीताल बैंक के प्रबंधक के साथ क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। वहीं रीजनल मैनेजर हल्द्वानी उमेश चंद्र रूपाली ने कहा कि बैंक की तरफ से दी जाने वाली योजनाओं का लाभ क्षेत्रीय लोगों को उठाना चाहिए। आज जो ये मीटिंग हमारी बेलपड़ाव शाखा द्वारा पंचायत भवन बेलपड़ाव में आयोजित की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम यहाँ की जो भी जनता है उनको अपने बैंक की जो भी योजनाएं हैं जिनका वो लाभ उठा सकते हैं उन सबके बारे में जानकारी देना है। और हम भी चाहते हैं कि लोग चाहे वो सरकारी योजनाएं हों चाहे वो बैंक की हमारी अपनी योजनाएं हों उन सभी में जिसमें भी उनको आवश्यकता है वो बैंक में अप्लाई कर सकते हैं और हमारे यहाँ से उनका लाभ उठा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं इस समय चल रही हैं, चाहे वो हाउसिंग लोन से रिलेटेड हों, पर्सनल लोन से रिलेटेड हों या शिक्षा से रिलेटेड हों। उसके अलावा जो अनेक सरकारी योजनाएँ आप लोगों के रोजगार के लिए चलाई जा रही हैं, चाहे वीरचंद सिंह गढ़वाली है या होम स्टे योजना है, उस पर जिस पर की सब्सिडी भी मिलती है, वो सारी योजनाओं का लाभ हमारे बैंक के माध्यम से उठा सकते हैं। और हमारे बैंक में इस चीज़ के लिए व्यापक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, लोगों को बताया भी जा रहा है और हमारे जो शाखा प्रबंधक हैं इनको भी इस बात के लिए निर्देशित किया जा रहा है कि आप लोगों के पास जाएँ और इस बारे में लोगों को जागरूक करें। ठंड का प्रकोप देखते हुए सितारगंज के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और सूर्य अस्त हो जाने के बाद ठंडी हवा के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर नगर पालिका के स्तर से अलाव जलाने की जरूरत है, साथ ही शासन प्रशासन के स्तर से गरीब परिवारों को गर्म कम्बल उपलब्ध कराए जाए जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो सके। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर भी मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, जिसको देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ये ज्ञापन सौंपा है जिसमें गरीब लोगों को कंबल उपलब्ध कराए जाने की ज़रूरत है ये लिखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब प्रशासन को नगर पालिका को अलाव की भी व्यवस्था करनी चाहिए। नगर का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र है, इसमें जगह जगह क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है तो हम ये जो है तहसीलदार महोदया से मांग करने आए हैं अपने कांग्रेस के माध्यम से ज्ञापन दे के पार्टी की तरफ से कि सार्वजनिक स्थान जहाँ भी हैं उनको जो है वहाँ पे अलाव जलाए जाएँ और साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी देख के उसको चिन्हित करके वहाँ भी गाँव जो है अलाव जलाए जाएँ जहाँ ज़रूरत है इसकी। तहसीलदार महोदय को ये ज्ञापन सौंपा गया है कि ठंड के दिन आप जानते हैं कि ठंड का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसमें यहाँ पे शासन प्रशासन के द्वारा जो हमारे सितारगंज नगर पालिका के वार्ड हैं वहाँ पे गरीब लोगों को जो असमर्थ लोग हैं जो समर्थ नहीं है उनमें प्रशासन के द्वारा कंबल वितरण का कार्य किया जाए और नगर पालिका प्रशासन से भी हमारा निवेदन ये रहेगा कि जल्द से जल्द अलाव की व्यवस्था की जाए। जिस प्रकार से सुबह के समय कोहरा होता है और शाम के समय हर चौराहे पर कोहरा होता है, शहर के अंदर कोहरा होता है, तो हर चौराहे पे चाहे अमरिया चौराहा हो, नुकुलिया चौराहा हो, बिस्टी चौराहा हो, एमपी चौक हो, सब जगह अलाव की व्यवस्था नगर पालिका प्रशासन के द्वारा की जाए। ऋषिकेश में रहने वाले एक नशे के सौदागर को मुनि किरेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी लेने पर तस्कर के कब्जे से 40 ग्राम से ज्यादा स्मैक पुलिस ने बरामद की है। पुलिस को ये सफलता उस समय मिली जब पुलिस ने बस पार्किंग के पास वाहनों की चेकिंग के इस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में जा रहे एक युवक को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोक लिया। मामले का खुलासा नरेंद्र नगर के सीओ रविंद्र कुमार चमोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। तो ऋषिकेश की तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। दरअसल स्मैक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही आपको बता दें 40 ग्राम से ज्यादा स्मैक भी बरामद की है। एक आरोपी जो कमल बादवा है, मूल निवासी सारनपुर का रहने वाला है, मुनिगिरेती क्षेत्र में काफी समय से रह रहा था, जिसमें एसओजी प्रभारी एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 40.26 ग्राम स्मैक, जिसकी अनुमानित कीमत 3.5 लाख रुपए है, इसको गिरफ्तार किया गया।
सितारगंज में एनएचएम समिति और आउटसोर्सेस के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रहे कर्मियों ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक राजेश आर्य को ज्ञापन सौंपा है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरना दिया। साथ ही 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। वहीं आपको बता दें कि एनएचएम और आउटसोर्स कर्मियों की मांग है कि एनएचएम के कर्मचारियों का वेतन ग्रेड पे हरियाणा की तर्ज पर और आउटसोर्सिंग से कार्यरत कई कार्यक्रमों के कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजन करने की मांग की है। हमारा 3 दिन का कार्य बहिष्कार जो है 7-8-9 का रहेगा। इसमें हमारी जो मेन मांग जो मुख्य मांगे 2 हैं। नंबर 1 हरियाणा राज्य की तर्ज पर, जैसे हरियाणा राज्य में जो हमारे एनएचएम जो एम्प्लॉई हैं उनको जो वेतन मिल रहा है वो वेतन हमारे जो विसंगति यहाँ पे हरियाणा के प्रखंड की उसकी हमारी एक मांग है कि जैसे हरियाणा राज्य में मिल रहा है वेतन वैसे हमें मिले। नंबर 2 ये है कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज जो यहाँ पे हायर कर रही हैं, जो मैन पावर सप्लाई कर रही हैं, उनको आउटसोर्सिंग हटा के जो जिला स्वास्थ्य सेवा समिति उसके अंडर में समाहित किया जाए। हमारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी प्रदेश व्यापी हड़ताल में है, उसी क्रम में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज के एनएचएम कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी ये दोनों हड़ताल पे हैं। इनकी मुख्यतः मांग ये है कि हरियाणा प्रदेश की तर्ज पर ही इनको ग्रेड वेतन मान दिया जाए। साथ ही जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको एनएचएम में समायोजित किया जाए। चमोली के पिंडर घाटी में आज गवालदम और कर्ण प्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरमनी मिंग गंधेरा के पास एक कार अनियंत्रित होकर पेंड्री नदी में जा गिरी। गनीमत रही कि कार चालक किसी तरह बाल बाल बच गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस और राजस्व विभाग को दी, जिसके बाद पुलिस और राजस्व विभाग कर्मी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से कार चालक को घायल अवस्था में बाहर निकाल लिया और साथ ही उसके बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया। तो तस्वीरें देख सकते हैं थराली की, जहां पर अनियंत्रित होकर नदी में कार गिर गई, जिसके बाद कार चालक जो है वो घायल हो चुका था। उसके बाद वहां के आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कर कार चालक को निकाला और अस्पताल में भर्ती करा दिया। ऋषिकेश में कृष्णा नगर कॉलोनी और खांड गांव के साथ अब आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी को भी नगर निगम में शामिल करने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। आईडीपीएल के पूर्व कर्मचारियों और आश्रितों ने तहसील का घेराव कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा, जिसमें जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी है। केदारनाथ की तर्ज पर अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शुभारंभ के मेगा शो पर उत्तराखंड बीजेपी कार्यक्रम करेगी। आपको बता दें 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे। इस दिन बीजेपी पूरे प्रदेश में 252 मंडलों में देवालयों और शिवालयों और प्रमुख मंदिरों के बाहर LED स्क्रीन लगाकर PM के कार्यक्रम का प्रचार करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं और पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के मुताबिक सभी मंडल अध्यक्षों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही 13 दिसंबर को पूरे प्रदेश के सभी मंडलों में केदारनाथ में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण की तरह ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर भी कार्यक्रम किए जाएंगे। सभी सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।